75वें स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 14 साल के लंबे सफर तय करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को, सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने जिस रूप में संघर्ष किया वे मिसाल था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। आज भी हम लोग ये संकल्प लेना चाहते हैं कि हम संविधान के जो प्रावधान है, जो भावना है, मूल भावना संविधान की है, उसके अनुरूप हम लोग चलें और संविधान में लिखे हुए हमारे कर्तव्य है उनका पालन करें। यही भावना रख करके हम इस देश को, जो अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उसको हम एक अखंड रख पाएंगे। शहादत दी हो चाहे इंदिरा गांधी जी ने, पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे थे, वो शहीद हो गए, परंतु वो चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो। तो बड़े बड़े त्याग करके इस मुल्क ने परिचय दिया दुनिया के मुल्कों को कि देश एक अखंड रह सकता है अनेकता में एकता के बावजूद भी। उसी भावना को नई पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए। ये 75 वर्ष का अवसर आया है, इसमें हम लोग संकल्प लें नई पीढ़ी को विशेष रूप से कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, तब जाकर के आने वाली पीढ़ियों को हम आज का भारत जो है, जो राजीव गांधी के सपनों का भारत है, 21st सेंचुरी का भारत है, जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं तक आ गई है घर घर के अंदर, उसके अनुरूप हम लोग देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जो उनका सपना था कि 21st सेंचुरी में कम से कम हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़ा हो, उस सपने को पूरा करने में आज की नई पीढ़ी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर पाएगी, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद।